देख रहे हैं बुलंद संदेश न्यूज, मैं रानी खान। प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों से मुमताज खुश नहीं, अशोक बिनोवेसी की पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुमताज ने उठाए सवाल। नई दिल्ली ब्यूरो चीफ एजाज अली, प्यारे वतन हिंदुस्तान में जिस तरह से विभिन्न प्रकार के अपराध हो रहे हैं और पहले से भी होते आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पहली बार हुए हैं। कुछ अपराध बलात्कार जैसे जघन्य अपराध, उसके बाद जलाकर मार देना, गर्दन काट कर मार देना जैसे अपराधों में अपराधी को एक तरह से गिरफ्तार करके सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसको लेकर देश के विभिन्न प्रदेशों की जनता ने रेप जैसे जघन्य अपराध की निंदा करते हुए फांसी की मांग की है। वहीं मुमताज जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ने इस तरह के जघन्य अपराध के विरुद्ध सऊदी अरब जैसी सजा की मांग की है। मुमताज का कहना है कि फांसी और इनकाउंटर तो पहले भी हुए हैं, परंतु अपराधियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। यदि अपराध पर अंकुश लगाना चाहते हैं, हो रेप जैसी घटनाओं पर सऊदी अरब जैसे कानून का प्रावधान कर जनता को इंसाफ दिलाया जाए। अशोक बिनोवेसी की पार्टी की कर्मठ लीडर मुमताज ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब कानून जैसी और जाँच भी वैसी ही होनी चाहिए, तब तो हमारा देश अपराध मुक्त हो सकता है। रेप जैसी घटना पर उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को बड़े से मैदान में जिंदा लटका कर जनता के हाथ में कंक्रीट देकर जब तक मरवाया जाए, जब तक वह अपने प्राण ना छोड़ दे, इससे उसको किए हुए अपराध से ईश्वर के यहाँ भी मुक्ति मिलेगी और पीड़िता को भी इंसाफ मिलेगा। उनका ने कहा कि इनकाउंटर से पूरा देश खुश है, मैं भी खुश हूँ, पर पीड़िता को जितनी बड़ी सजा तड़पा तड़पा कर दी गई थी, उस सजा के मुकाबले पर बलात्कारियों के इंटर की सजा कोई खास नहीं है। इनको भी तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए था, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। हर तड़पने वाला व्यक्ति मौत की इच्छा करता है, उसे भी पता है कि जीवित कभी कोई नहीं रहा हूँ, मुझे भी मरना है। तड़प तड़प का मरने से तो बेहतर है कि मार दिया जाए, इनकाउंटर कर उसकी मौत में आसानी कर दी। के इस तरह के अपराधियों को तड़पा तड़पा कर मारा जाना चाहिए था, फिर भी पुलिस ने जो एक्शन लिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं यही अपनी बात खत्म करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेम निकालें और स्वाति जी के पास आए।